यूरोप में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से एक बार फिर खलबली मचा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना का ये वेरिएंट सबसे पहले नेपाल में मिला था, जो धीरे धीरे यूरोप को भी अपनी चपेट में ले लिया है। वैज्ञानिकों ने ये आशंका जाहिर की है कि नया वेरिएंट वैक्सीन को भी चकमा दे सकता है। ये वेरिएंट पुर्तगाल में मिला है। हालांकि ब्रिटेन सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार समूह के एक अधिकारी ने बताया कि वेरिएंट को लेकर ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पहले से ही वायरस के हजारों वेरिएंट मौजूद हैं। ये एक ऐसा वायरस है जो हमेशा बदलता रहता है। वियतनाम की ओर से जारी एक बयान में बताया है कि कोरोना का एक बेहद खतरनाक वेरिएंट मिला है। इस वेरिएंट में भारत और यूके में मिले स्ट्रेन शामिल हैं, जो कि तेजी से हवा में फैलते हैं। ये वेरिएंट इतना खतरनाक है कि टीके लेने वाले लोगों को भी अपनी चपेट में ले लेता है। बता दें कि ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि जुलाई अगस्त में उनके देश में कोरोना पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। देश में टीकाकरण अभियान जून के आखिर तक पूरा कर लिया जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कई देशों से आने वाले लोगों पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन नए वेरिएंट ने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।